गाए जा क्यारोना के सभी श्रोताओं को पारोमिता गोस्वामी का प्यार भरा अभिनंदन। इधर शाम ढली और उधर हमारा आना हुआ, कुछ रिश्ता सा बन गया नहीं। गीतों के साथ, आप सबके साथ, कुछ नया कर गुजरने की उम्मीद के साथ। सच है दोस्तों, अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल मिल ही जाती है। अब देखिए ना, कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पहुँच रहे हैं। चाल थोड़ी धीमी ही सही, मगर मंजिल तो साफ है, बस इतना ही काफ़ी है। दोस्तों, आज से हम एक नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं, कुछ कही अनकही। इसमें अपने लाइफ के कुछ ऐसे पल आपसे हम शेयर करेंगे जिसने हमारे जीवन के मायने ही बदल के रख दिए। और हमारी पहली कड़ी में आइए सुनते हैं सुमेधा अग्रवाल जी को, जो कि एक थिएटर पर्सनालिटी हैं और आकाशवाणी में कंपेयर भी। तो आइए रूबरू होते हैं सुमेधा अग्रवाल जी से। करीब 20-25 साल पहले की बहुत छोटी सी घटना है, लेकिन उसने मेरा नजरिया बदल दिया कि आम आदमी को, आम लोगों को उनके पहनावे से मत नापो तोलो। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ती थी और बहुत आर्थिक दिक्कतों का दौर था। बड़ी मुश्किल से कमाना और सहेज कर खर्च करना, वो हमारी आदत में था। जबलपुर से करीब 7-8 किलोमीटर है, डिफेंस का इलाका है खमरिया, और दोनों एरिया को जोड़ती है एक लंबी सी सड़क जिसके दोनों तरफ अच्छा खासा घना जंगल है। अभी तो पता नहीं, उस समय वहाँ सियार और तेंदुए अक्सर दिख जाया करते थे। और आने जाने का एक ही साधन, वो एक सार्वजनिक ऑटो होता था जिसमें खचाखच करके वो सवारियाँ भर लिया करते थे। एक दिन मैं अपने रिलेटिव से मिलने खमरिया गई थी और शाम को लौटते समय भागते भागते मैंने खमरिया बाजार से ऑटो पकड़ा, शायद आखिरी ऑटो था क्योंकि 7 बजे के बाद वहाँ ऑटो मिलता ही नहीं, वो खचाखच भर चुका था। रास्ते में खलासी ने पैसे लेने शुरू किए तो सबसे 250 रुपये लिया। एक संभ्रांत सी महिला थी, हाथ में उनको शायद 2-4 साल का बच्चा रहा होगा, और एक बैग था, लग रहा था काफ़ी दूर से आई हैं और जबलपुर जा रही हैं। उन्होंने 2 रुपये दिए, ऑटो वाले ने कहा कि नहीं 250 रुपये ही लगेंगे। अच्छा, उस इलाके में सुबह 2 रुपये ही लगते थे, क्योंकि ऑटो वालों को भी पता है शाम को कोई और साधन मिलना नहीं है, तो उन्होंने 250 रुपये ले लिया। उस महिला ने 2 ही रुपये दिए, ऑटो वाले से थोड़ी सी बहस भी हुई। अच्छा, क्योंकि ऑटो वालों का वहाँ पर नॉर्मल ये बिहेवियर होता ही है, इसलिए बाकी सवारियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ऑटो वाले ने कह दिया कि 250 रुपये दीजिए, नहीं तो यहीं उतार देंगे। महिला ने भी कह दिया मैं 2 ही रुपये दूंगी, उतार दो। और यकीन मानिए, ऑटो ने उसने रोका ऑटो और उतार दिया उस महिला को। जब तक कुछ सोचूं, मैं कुछ तय करूं, तब तक ऑटो आगे निकला और महिला वहीं अंधेरे में रह गई। रात भर मैं ये सोचती रही कि क्या सिर्फ 50 पैसे के लिए उस महिला ने अपनी और अपने बच्चे की सुरक्षा खतरे में डाली होगी, क्योंकि 4 पैर के जानवर तो चलिए ठीक है, 2 पैर के जानवर भी तो होते हैं, और सुनसान जंगल इलाका। तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, हो सकता है कि उस महिला के पास वाकई 50 पैसे नहीं थे, क्योंकि मेरे खुद के पॉकेट में उस समय मुश्किल से 4 या 5 रुपये रहे होंगे। अब मैं ये सोचूं कि 50 पैसे मैं दे देती कि भैया ले लो 50 पैसे और चलो, या मैं उस महिला के साथ उतर जाती कि मुझे भी यहीं पर उतार दो, तो शायद दूसरी सवारियाँ भी कुछ एक्ट करती, कुछ रिएक्शन देती कि महिला को ले चलो। तब मुझे एहसास हुआ कि जो नॉर्मल आदमी है ना, मध्यम वर्गीय जो आदमी है, वो कितनी भी तकलीफ में रहे लेकिन वो अपनी आन बचा के चलता है। वो ये नहीं कहेगा कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, कम है। वो सिद्धांतों के नाम पर लड़ेगा, भिड़ेगा, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट, अपनी आन बचा के रखता है। इसलिए किसी की भी पहनावे से ये नहीं मान के चलना चाहिए कि खाली 50 पैसे के लिए क्यों लड़ रहा है। हो सकता है शायद वो वाकई तकलीफ में हो। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके पास गीतों का गुलदस्ता यानी गीतमाला, और इस गीतमाला में एक गीत सबसे पहले मेरे दिमाग में घूम रहा है,
जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। इसके पीछे एक कारण है जो मैं आपको पहले बताऊँगी। ये गीत जो है यशोदास जी की गाई हुई गीत है, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, आपने भी सुना होगा। अमरकंटक जाने के रास्ते में एक जंगल पड़ता है अचानक मार, नाम तो सुना होगा आपने। कुछ ऐसा हुआ कि हमें वहाँ पर एक गेस्ट हाउस में रात बितानी पड़ी। चारों तरफ जंगल ही था, बस कुछ एक मकान थे, घर थे चौकी के आसपास गांव वालों के, और पास ही खुले खेत में बंजारों ने अपनी बस्ती बना रखी थी। हम कमरे में सामान छोड़कर उस बस्ती की तरफ चले गए। प्लास्टिक शीट के तंबू में वे परिवार समेत रहते थे, बड़े बूढ़े बच्चे सब। जब हम वहाँ गए वो सब बाहर निकल के आए हमसे मिलने। उन्होंने हमें अपने कुछ सामान दिखाए जो वो बनाकर बेचते थे। उन्हीं में से एक सामान था झाड़ू। जंगल से घास इकट्ठा करके वे झाड़ू बनाते थे और इन्हीं घास की आड़ में शेर घूमते थे। उन्होंने बताया कि एक बार एक तेंदुए ने हमला भी कर दिया था, मगर फिर भी अपनी जीविका के लिए वे जंगल जाते हैं। इसी टाइम पे वे वक्त घास सूखी और अच्छी होती है। उनकी बातों ने मुझे बड़ा अचंभित किया, इतना रिस्क लेकर कोई इतना कैसे खुश रह सकता है। हम वहां से निकल आए, तभी मेरी नज़र जंगल की पगडंडी से निकलती हुई महिलाओं की लंबी कतार पर पड़ी। सभी के सिर पर घास का एक बहुत बड़ा बंडल बंधा हुआ था और वो कोई गीत गुनगुनाते हुए बस्ती की तरफ जा रहे थे, मगर मेरे जहन में तब यशोदास जी का यही गीत आ रहा था। आइए आपको सुनाती हूँ। अपना बनाने को पंच करे देखो तिनके जमारे तिनके जमारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे आके यहाँ। झरते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे
ऐसा तहार, उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जुआधा, आधा जवारे आधा जवारे। अपनी धुन में मगन डोले, लोग यहाँ बोले, दिल की जबारे, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जुआधा, आधा जवारे। दोस्तों, गीतमाला के आज के एपिसोड में आइए सुनते हैं ये गीत। जिन्होंने सजाए यहाँ हमें,
सुख दुख संग संग झेले, ए जिन्होंने सजाए यहाँ मेले। सुख दुख संग संग झेले, वो ही चुनकर खामोशी यूं ही चली जाए अकेले कहाँ जिंदगी। कैसी है पहले कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। अभी आप सुन रहे थे मेरे स्वर में आनंद फिल्म का ये गीत। आइए सुनते हैं अंशुलिका पॉल को, फिल्म का नाम है करम। अगला गीत लेकर आई है ममता बघेल, फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया।
जाते हंसते गाते सोचा था मैंने मन में कई बार वो पहली नजर हल्का सा असर करता है क्यों इस दिल को देकर के रुकना न जाने तुम्हें है किसका इंतजार तेरा यकीन कहीं मैं तो नहीं लगता है यही क्यों मुझको बार बार यही सच है शायद मैंने प्यार किया हाँ तुमसे मैंने प्यार किया आते जाते हंसते गाते सोचा था मैंने मन में कई बार होठों की कली कुछ और खिली ये दिल पे हुआ है किसको इख्तियार तुम कौन हो बतला करने लगी मैं तुम पे एतमार खामोश रहूं या मैं कह दूं क्या कर लूं मैं चुपके से ये स्वीकार यही सच है शायद मैंने प्यार किया दोस्तों ये अगली पेशकश मैं अपने स्वर में करना चाह रही हूँ। फिल्म का नाम है अभिमान।
हो चला है दोस्तों आपसे विदा लेने का। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।